हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो हम लोगों का एनएसटी 6 यार पूरा हो चुका है, ठीक है। और वो सेंटर्स पे एग्जाम उसके हो भी चुके हैं, तो अब हम लोग आज क्या करेंगे उसका सोल्यूशन देखेंगे, ओके। क्योंकि भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने सोल्यूशन देखा था, इस टाइम भी हम लोग पूरा का पूरा सोल्यूशन देख लेंगे, जिससे कि हम लोग की जो प्रिपरेशन है वो ज़बरदस्त चलती रहे, कहीं से भी वो प्रिपरेशन हमारी रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए एनएसटी 6 का जो सबसे पहला सेक्शन होता है रीजनिंग सेक्शन, आज उसको हम लोग करने चल रहे हैं। सारे लोगों को ये पता ही है कि भाई रीजनिंग में क्या होता है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे, ठीक है। और 40 क्वेश्चंस को हमें फटाफट करना होता है, क्योंकि रीजनिंग वाला सेक्शन ऐसा होता है जिसमें आप ना ढेर सारा टाइम बचा सकते हो। लोग अक्सर एक रीजनिंग पे 1 मिनट मान के चलते हैं, लेकिन ये वाला सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप ढेर सारी टाइम बचा सकते हैं, और उस टाइम को आप मैथमेटिक्स और हिंदी वाले सेक्शन में भी लगा सकते हो, ओके। तो रीजनिंग वाले पोर्शन को अब हम लोग देखेंगे, और 40 क्वेश्चंस में भी पता है आपको 10 टाइप के रीजनिंग्स होते हैं। 10 टाइप्स में 4-4, है ना, हर एक टाइप का 4 रीजनिंग होता है। तो ज़रा सोचो कि अगर 4 टाइप का है, अगर कुल मिला के 10 टाइप का है और उसके 4 रीजनिंग्स हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा आपके पास 40 क्वेश्चंस, ओके। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी 4-4 होते हैं, कभी कभी 5-5 होते हैं 8 टाइप्स के, तब भी हमारा जाके कितना हो जाता है, हमारा 40 हो जाता। तो कुल मिला के रीजनिंग सेक्शन के लिए आपको बेहतरीन तैयार रहना है, और इस वाले पोर्शन से हमें बहुत ढेर सारा टाइम बचाने की पूरी कोशिश करनी है, ओके। चलिए आ जाइए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले करते हैं कि निर्देश को पढ़ते हैं। चलो निर्देश को पढ़िएगा, क्या कह रहे हैं कि प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ए बी सी तथा डी दी गई हैं, और इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सादृश्य हैं, ओके, तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करें। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, आपको इसमें सबसे डिफरेंट खोजनी है। डिफरेंट का मतलब सबसे अलग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका, पहले वाले क्वेश्चन में जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के अंदर में भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के अंदर में एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल के अंदर में भी एक ट्रायंगल है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के अंदर में आपका एक क्या है, आपका एक ट्रायंगल है। तो इसमें देखिए ये सेम सेम, ये भी सेम सेम, ये भी सेम सेम, बट ये क्या है, इसमें सारी चीज़ें अलग हैं, इसलिए जो हमारा सबसे डिफरेंट होगा, जो सबसे भिन्न होगा, वो डी वाला ऑप्शन होगा, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको पहले ही क्वेश्चन में ज़बरदस्त फील आ गया होगा कि भाई हमें डिफरेंट कैसे खोजना है। तो चलिए आ जाइए, फिर से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हो डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रा ध्यान से देखो, इसमें ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं ऐसे हैं, फिर देखो अगर इसकी बात करें तो इसमें ऐसे हैं, इसमें कैसे हैं, ऐसे हैं, यानी कि दो के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो किसी एक ही, अगर इसको एक खाना मान लो, जैसे अगर अपन है ना ऐसे खाना खाना करके खेलें, तो भैया सबसे पहला वाला इस पहले वाले ब्लॉक में है, पहले वाले खाने में है, दूसरा वाला इस ब्लॉक में है, तीसरा वाला इस ब्लॉक में, लेकिन भैया इसमें देखो जरा, इसमें तो भैया एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसका मतलब यही जो है ना, यही सबसे अलग है, यही वाला सबसे अलग है। तो बी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो यार कितनी प्यारी बात होती है ना, कि जब हम लोग डिफरेंट चीज़ें खोज रहे होते हैं, 3 चीज़ें एक समान होती हैं, चौथी जो सबसे अलग होती है उसको पकड़ लेते हैं, ओके। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यार कभी कभी क्या होता है ना, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझाने की वजह से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ओके। अगर अभी फटाफट लगा के निकलना होता तो भैया ऐसे लगाते निकल जाते, ओके, बस केवल ऐसे ऐसे टिक मार के निकल जाते, लेकिन यहाँ पर आपको समझाना है तो थोड़ा सा ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है, ओके। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आते हैं, जरा देखना है, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे ट्रायंगल था, यानी कि चतुर्भुज के अंदर में त्रिभुज। यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे है
क्या सिक्स सिक्स भुजाओं वाला, यानी कि हेक्सागॉन अगर कह सकते हो, और इसको पेंटागॉन, हेक्सागॉन पेंटागॉन का मतलब क्या होता है, ये खष्टभुज है और ये पंचभुज है, यानी कि छः में क्या है, छः में पाँच है। ओके, उसके बाद जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ पे मतलब पांच भुजाओं वाला है। तो अगर यहाँ पे पांच भुजाओं वाला है तो जरा अंदर देखो, यहाँ पे तो चार भुजाओं वाला है, यानी कि अंदर बाहर वाले से अंदर वाले में एक कम है। बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो भाई, यहाँ पे तो अंदर में तो हो गया आपका क्या त्रिभुज, लेकिन लेकिन बाहर देखो, बाहर तो त्रिभुज हो गया, बाहर तो त्रिभुज हो गया, लेकिन अंदर में कोई डायमेंशन ही नहीं है, केवल एक सीधी रेखा खींची हुई है। ओके, तो इसलिए थर्ड वाले में अपना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बी वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाइए फटाक से इसमें जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पे जीरो, और इसके बाद इस है ना इक्वल टू, यानी कि जोड़ गुणा गोला स्क्वायर है ना बराबर, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे जोड़ गुणा गोला बराबर, और यहाँ पे जोड़ गुणा गोला बराबर। तो हर जगह पे क्या है, जोड़ना है, फिर गुणा करना है, फिर गोला करना है, और फिर बराबर है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पे तो लगे ट्रेंगल है ना, यहाँ पे लगे ट्रेंगल डाल दिया, यानी कि जो सबसे डिफरेंट पार्ट होगा वो कौन सा होगा, वो बी वाला होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी कि पहले वाले में आपका डी ऑप्शन सही है, दूसरे वाले में आपका बी ऑप्शन सही है, तीसरे वाले में भी आपका बी ऑप्शन सही है, और चौथे वाले में भी आपका बी ऑप्शन सही है। ओके, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, हमारी पहली वाली है ना, हमारी पहली वाली रीजनिंग कंप्लीट होती है। अब आ जाइए, हम लोग खंड खा कहते हैं या पार्ट सेकंड। अब इस वाली आकृति को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहला वही काम होता है भाई कि हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं निर्देश को कि 5 से 8 तक में प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सादृश्य हो, तथा यही उत्तर चुनकर आप संलग्न उत्तर पुस्तिका के हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला कर दीजिए, यानी कि आपको यार एक OMR सीट दी जाती है। ओके, जैसा कि हम एग्जामिनेशंस में देते हैं आप सारे लोगों को, तो वैसे ही आपको एक एग्जामिनेशन है ना, एक OMR सीट मिलेगी। उसी OMR सीट को आपको क्या करना रहेगा डियर स्टूडेंट्स, उसी OMR सीट को आपको फिलअप करना रहेगा। ओके, चलिए तो आ जाइए, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से जब हम लोग देखना शुरू करते हैं, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें ना एग्जैक्ट वही वाला फिगर फाइंड आउट करना है जो इस प्रश्न आकृति के बिल्कुल बराबर हो, समान हो। तो जरा देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए एक एरो, क्या यहाँ पे है, बिल्कुल नहीं है, क्या यहाँ पे है, बिल्कुल नहीं है, क्या यहाँ पे है, बिल्कुल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो यार ये तो सबसे सिंपल सबसे लल्लू टाइप वाली रीजनिंग होती है ना, इसको तो मतलब हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, 4 रीजनिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30-35 सेकेंड में ख़त्म कर दो। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स में सबसे पहली बात देखिएगा कि यहाँ पे नुकीला बना हुआ है, तो क्या यहाँ पे बना है, बिल्कुल नहीं बना है, क्या यहाँ पे बना है सेकंड पे नुकीला, बिल्कुल नहीं बना, क्या थर्ड पे नुकीला बना है, हाँ। अब थर्ड वाले में देखिए, एक इधर है गुड, एक इधर है ये भी गुड, एक इधर है ये भी गुड, एक इधर है ये भी गुड, तो कहीं ना कहीं से सी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको एक बार रिजेक्ट कर दीजिए। ये देखो, इधर इधर दोनों बराबर, तो ये वाला रिजेक्ट, तो सही कौन सा हुआ, सही हुआ अपना ऑप्शन नंबर सी। ओके, वेरी गुड, आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेवन पे। जैसे ही क्वेश्चन नंबर सेवन पे हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि कौन सी आकृति इसके बिल्कुल समान है। तो भैया यहाँ पे हमें एक राउंड वाला चाहिए, यहाँ पे हमें एक ब्लैक वाला राउंड चाहिए, तो भैया ये तो कतई नहीं होगा, ये तो होने से रहा, इनकी तो किस्मत ख़राब है,
तो ये तो होंगे नहीं, ये तो होंगे नहीं। चलो आ जाओ डी पे, तो डी वाला ऑप्शन ही बच रहा है। और वैसे भी देखो तो ये बिल्कुल हूबहू है, यानी कि एकदम सादृश्य है, समान है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है। एग्जैक्ट फिगर ऑफ द सेवंथ रीजनिंग इज डी, तो डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो गया, है ना, इसमें, है ना। और उसके बाद देखिए तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो गया, इसमें देखिए तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हुआ। ऐसे आ जाइए एट्थ में, यहाँ पे सेब बनी है, अरे यार आम नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्या हुआ, अरे ये तो अंगूर बन गया, हमें सेब चाहिए था ना यार, तो सेब के लिए क्या, सी वाला। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें सी, इसमें सी, इसमें डी और इसमें सी। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको 8 की 8 आकृतियाँ बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आ जाइए अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग नंबर नेक्स्ट पे। रीजनिंग नंबर नेक्स्ट, देखो यार किसी भी रीजनिंग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, यस सबसे पहले हम लोगों को निर्देश पढ़ने चाहिए। तो चलो आ जाओ बच्चों निर्देश में आ जाओ। देखो 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब गायब हो गया है और वो हमें दाईं ओर दिया गया है ए बी सी डी के फॉर्म में। उत्तर आकृति को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब वाले भाग को, है ना, गायब वाले भाग में ठीक बैठती है ना। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये जो पोर्शन गायब हुआ है ना डियर स्टूडेंट्स, इसी को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपको ये बताना रहेगा कि कौन सी आकृति अप्रोप्रिएट, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी में आ जाएगी। तो जरा देखो इसमें क्या चाहिए हमें, हमें एक ऐसा चाहिए, उसके बाद एक ऐसा हो, एक ऐसा हो। अब क्या ऐसा है, क्या ऐसा है कहीं, यहाँ तो भैया बिल्कुल नहीं है। क्या क्या यहाँ पे है, यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई इसकी डायरेक्शन बदल जा रही ना यार। क्या यहाँ पे है, यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं है। तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा सही होगा, एग्जैक्ट आंसर आपका बी वाला सही होगा। कौन सा, बी वाला सही होगा। ओके चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में जैसे ही आप आते हो यार, देखो क्या ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा है इसलिए ये वाला नहीं होगा। क्या सी वाला होगा या डी वाला, अरे यार डी वाला इतना पतला सा है तो ये बिल्कुल से नहीं होगा। तो होगी कौन सी आकृति, होगी सी अपनी। ओके तो इस तरह से इसमें बी और इसमें सी। ओके चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि भैया देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्लैक था तो यहाँ पे भी ब्लैक था। ओके यहाँ पे ब्लैक था तो यहाँ पे भी ब्लैक था। और देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे ये सर्कल है तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पे ऐसे हो के यहाँ पर भी ऐसे होगा और फिर ये क्या होगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो हमें कुछ ऐसी आकृति की ज़रूरत है। ओके लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि इसमें जो है, इसमें हमको ये देखना है कि यहाँ पर एक एक ब्लैंक मिले और यहाँ पर भी हमें एक ब्लैंक मिलना चाहिए, क्योंकि इस इन इन दोनों में ना सिमेट्री होनी चाहिए। जो ये वाला पोर्शन हो, जो ये वाला पोर्शन हो, इन दोनों में सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे इसमें और इसमें एक जैसा है, वैसे इसमें और इसमें एक जैसा होना चाहिए। तो ऐसी आकृति जब हम खोजना शुरू करते हैं तो ये आपका बिल्कुल नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा कि जिस तरीके से इधर वाला पार्ट है, ओके उसी को मैच करता हुआ इधर वाला पार्ट है। अब देखिए कि यहाँ पे ये दोनों तो काले हैं तो यहाँ पे ये दोनों भी काले ही होने चाहिए, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके और इसकी जो डिज़ाइन है डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिज़ाइन जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसकी डिज़ाइन अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ऐसे मिल जाना चाहिए। ओके यहाँ पे ऐसे मिल जाना चाहिए और इसके पीछे ऐसे हो जाना चाहिए और ये पूरा का पूरा ऐसे सीधे मिल जाना चाहिए। तो भैया ये भी तो होने से रहा और ये भी होने से रहा, तो अपना जो सबसे करेक्ट आंसर है इसमें ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से यार एक एक आकृति को, एक एक रीजनिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल इसलिए कि आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को
कर जाइए। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग लेते हैं सेक्शन नंबर, अब ये वाला तो थर्ड था, अब हम लोग लेते हैं सेक्शन नंबर फोर। सेक्शन नंबर फोर में क्या होता है कि सेक्शन नंबर फोर में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसकी निर्देश को पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो निर्देश को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, या पढ़ो और क्या करो। अब देखो, इसको जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, चलिए फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाई तरफ तीन समस्या आकृतियाँ दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। ठीक है, तो समस्या आकृतियाँ एक श्रृंखला में है। ओके, श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जो मतलब एक संबंध होता है इन सारे लोगों में, जो इसमें इसमें होता है इसी तरीके का संबंध नेक्स्ट वाली में भी होगा। ओके, तो ढूंढिए कि रेखा के बाईं तरफ दी गई आकृतियां ए बी सी डी में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरी करती है। ओके, और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले पे गोला करना है। यानी कि आपको वही सारी चीज़ें, वही एग्जैक्ट आंसर्स आपको किस में डालने हैं, उसको आपको डालने हैं उत्तर पुस्तिका में। ओके, चलिए आ जाइए। तो अब सबसे जो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स अपना, सबसे पहले क्वेश्चन को जरा बहुत प्यार से देखिएगा। ओके, देखिए तो इसमें जब आप इसको देखना शुरू करते हैं तो देखिए इसमें कितनी पेटल्स हैं, इसमें देखिए कितनी पंखुड़ियाँ हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, उसके बाद पांच के बाद एक दो तीन चार, चार के बाद एक दो तीन, तीन पंखुड़ी के बाद आपको एक ऐसा फूल सर्च करना है, एक ऐसा फूल ढूंढना है जिसमें दो पंखुड़ियाँ हों। तो क्या इसमें है? नहीं, इसमें तो पूरा गुच्छा है। इसमें भी चार हैं, इसमें भी पूरे गुच्छे हैं। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आकृति होगी, जो सबसे करेक्ट रीजनिंग होगी डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी बी वाली। ओके, वेरी गुड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे जरा देखिए, ये सबसे पहले एक पूरा का पूरा एक सर्कल था, एक सर्कल था, उसके बाद काट दिया तो ये बन गया आधा, फिर इस आधे का भी आधा कर दिया। तो जरा सोचो कि अब की बार इसका भी आधा हो जाना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या हो जाना चाहिए? इसका भी आधा। तो यानी कि हमको हमको कुछ कुछ कैसा मिलना चाहिए? ऐसे ऐसे ऐसे। तो जरा देखो डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे है? ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, अपना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर ऐसे ही सीधे दिख रहा है। ओके, वेरी गुड। चलो आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 15 पे जैसे ही आप आते हो डियर, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक था, फिर यहाँ पे दो सर्कल हो गया, फिर यहाँ पे तीन सर्कल हो गया, तीन सर्कल हो गया, इसका मतलब अब की बार क्या होगा? अब की बार चार सर्कल हो जाएगा। तो पहला तो होने से रहा, दूसरा भी होने से रहा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है? बिल्कुल सी है। ओके, तो ऐसे ही यार, ऐसे ही आपको वन बाय वन करके सारे की सारे रीजनिंग्स को बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही सही सर्च आउट करना है, जिससे कि अपना 40 out of 40 बहुत आराम से रीजनिंग में हमें स्कोर करना ही रहेगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में जरा ध्यान से देखिएगा डियर, सबसे पहले ये क्या था? यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर यहाँ पे एक आया, और जरा ध्यान से देखो, पहले इधर बढ़ा है। ओके, ओके, सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले इधर बढ़ा है, फिर इधर बढ़ा है। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार इधर एक और बढ़ जाएगा, यानी कि इधर दो हो जाएगा, इधर दो हो जाएगा और इधर एक ही रहेगा। चलो देखो ध्यान से इसमें कौन सा है। क्या ए है? ए तो भैया बिल्कुल नहीं होगा। क्या सी? सी भी बिल्कुल नहीं होगा। डी तो होने से रहा। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा डियर, वो होगा 16 में बी। तो इस तरीके से आपको इसमें बहुत मजा आया होगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो अपना स्टार्ट हो रहा है, वो अपना स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 17 से। तो 17 से हमें करना क्या है, इसको सबसे पहले आप निर्देश में पढ़िए। चलिए आ जाइए 17 से 20 तक क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न में तीन समस्या आकृतियाँ है ना, आकृतियों के बाद चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। हाँ, अब की बार डियर क्या होगा, इसमें और इसमें जो रिलेशन होगा, ओके, वही रिलेशन इसमें और इसमें होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। जरा इसमें देखिएगा कि ये वाला था, ये वाला क्या हुआ, ऐसे पहले ये खड़ा हो गया, उसके बाद आधा ब्लैक हो गया। तो जरा इसमें देखो कि जब ये इस तरीके से खड़ा होगा तो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि ऐसे हो जाए। ओके,
फिर ये जैसा है वैसे ही हो कि बस ये क्या हो जाए, ये डबल हो जाए, ये डबल हो जाए, ओके, ये डबल हो जाए। तो अगर ये डबल होगा तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का, और इसको आधा कलर कर दो, अगर इसको आधा कलर कर दो तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। तो यार कहीं ना कहीं से आप ना, कहीं ना कहीं से आप एक एक इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो जाते हो, एक सिविल इंजीनियरिंग वाले जो किसी ना किसी चीज़ को ना बना देता है। तो आप वास्तव में एक नॉर्मल एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एक बहुत बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो आप जितने सीरियस हो उतने ही सीरियस रहो, ओके। तो ये आ जाएगा ऑप्शन आपका डी, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में जरा देखिएगा डियर, ये था तो ये इधर को है, तो कहीं ना कहीं से अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसकी मिरर, तो ये इसकी मिरर इमेज हुई, हुई कि नहीं हुई, पक्का, ओके। अब ये देखो, ये यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये जो है इसकी मिरर इमेज हुई, ओके। अगर इसकी मिरर इमेज हुई तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी होगी। तो 18 वाला जो है, 18 में आपको कौन सा मिल जाएगा, 18 में आपको बी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ओके। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ओके। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करोगे आप, चलो फटाफट बता दो हमें, वेरी गुड, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ क्या करोगे। भैया ये त्रिभुज था, त्रिभुज से बढ़ के ये चतुर्भुज हो गया, चार भुजा वाला, तो भैया ये पाँच भुज था तो पाँच से बढ़ के क्या हो जाएगा, छः वाला हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, हाँ डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें 19 में आपको क्या मिल गया, 19 में आपको डी मिल गया। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आप 20 में आ जाओ, 20 में देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा कंप्लीट था, कंप्लीट था, यहाँ से गायब हो गया। अब की बार ये पूरा कंप्लीट है तो यहाँ से गायब हो जाएगा, जरा देखो कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको 20 तक के क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। चलो आ जाओ कम ऑन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है, इसको तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं, ओके। तो 21 से 24 तक के, 21 से 24 तक के प्रश्नों में आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी ज्यामितिक आकृति का एक भाग रेखा के बाई तरफ समस्या आकृति के रूप में, समस्या आकृति के रूप में दिया गया है, और रेखा के दाईं तरफ दी गई चार आकृतियां ए बी सी डी में से कोई एक, कोई एक उसका पूरा भाग, उसका पूरा भाग है, ठीक है। दाईं तरफ, दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितिक आकृति को पूर्ण बनाती है, ठीक है, और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे, हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करें, ओके। यानी कि आपको क्या करना है डियर, यानी कि आपको क्या करना है, आपको इस आकृति को कंप्लीट करना है जो आपको लेफ्ट साइड में दी गई है, ओके, जो आपको बाईं तरफ दी गई है इसी को आपको कंप्लीट करना है। तो जरा देखो क्या इसको कंप्लीट करने के लिए हमने आपको ट्रिक नहीं बताई थी, हमने आपको कहा था ना डियर कि आप इसको ऐसे पहले कंप्लीट कर लिया करो, सपोज करो कि इसको एक पूर्ण वर्ग बनाना है तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो अगर इस तरीके की आपको जो आकृति मिल रही हो वही आपकी बिल्कुल करेक्ट, आप है ना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या ये है, ये तो आपका बिल्कुल नहीं है, क्या ये है, ये है तो, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा पतला है तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन कौन सा बचता है, आपका ऑप्शन बचा ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो 21 में इस तरह से आपने देखा तो 21 में क्या होगा, 21 में होगा ए। उसके बाद आ जाओ डियर स्टूडेंट्स आगे, आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में भी यार अगर आप इसको कंप्लीट करते हो ऐसे कर दो, तो जैसे ही आपने ऐसे कंप्लीट किया तो आपको दिख रहा है बिल्कुल, आपको आंसर दिख गया होगा, ओके। क्या ये है, ये तो बिल्कुल नहीं, क्या ये है, ये भी बिल्कुल नहीं, अरे यार ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप
डायरेक्ट आंसर के पीछे ना पढ़ के अगर आप रिजेक्शन मेथड अपनाएं, रिजेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, रिजेक्शन मेथड का मतलब ये होता है भैया कि उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो रिजेक्शन मेथड के थ्रू भी हम अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए आज एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप रिजेक्शन मेथड लगाइए, तो फटाफट मुझसे पहले आप आपकी बार क्या करिए, आपकी बार मुझसे पहले आप इसमें कमेंट कर दो यार, मुझसे पहले कमेंट कर दो इसमें, करो 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 जल्दी करो। वेरी गुड, मुझे लगता है बहुत जनों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, क्योंकि भैया बी तो होने से रहा, बी तो होने से रहा, सी भी होने से रहा, डी तो कतई हो ही नहीं सकता यार, तो होगा क्या, होगा ए, क्या होगा, ए होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके तो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलो इसमें आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अब बताओ इसको जैसे ही आपने पूरा किया, अरे यार ये होगा बिल्कुल नहीं होगा, बी होगा बिल्कुल नहीं होगा। अब बात सी और डी में आती है, डी भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन कौन सा, सी। तो यार इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हो। ओके तो मेरे ख्याल से ये भी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आ जाइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अरे वाह मजा ही आ गया भाई, ऐसी आकृतियां देख के ना दिल खुश हो जाता है यार। चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट बता दो बता दो बता दो बता दो। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाईं तरफ चार उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई हैं, है ना। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सादृश्य हो। ओके यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये जो x और y लिखा है ना, ये x और y क्या है, ये x और y जो है, ये x और y जो है ना, ये दर्पण है, मिरर है, शीशा घर में होता है ना, शीशा शीशा कहते हो, तो जैसे उसके सामने खड़े होते हो वैसे ही। तो इसके बारे में भी हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं कि आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, बस आप ये देखो कि ये जो इसका इधर है वो इसका इधर हो जाएगा, बाकी चीज़ें इसी के अलाइन में चलती रहेंगी। तो क्या ऐसी आकृति आपको कहीं दिख रही है, ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके वेरी गुड, चलो कम ऑन बच्चा पार्टी, कम ऑन बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में जरा आ जाओ। तो ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, ये नीचे को ही रहेगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा। ओके तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, भैया ये तो बिल्कुल नहीं होगा, भैया ये जो है ना ये तो होगा ही नहीं, और इसका तो सवाल ही नहीं उठता, और ये है क्या, ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो यार कितना मजा आता है ना कि जब ऐसी आकृतियाँ आपके सामने आती हैं कि अरे यार तुरंत के तुरंत ऑप्शन मिल रहा है, फटाफट करते जाते हैं और हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस विद इन 2 or 5 seconds के अंदर ही फटाफट पूरे हो जाते हैं। ओके तो बहुत मजा आता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ बच्चा पार्टी, कम ऑन जल्दी से, आपकी भैया से पहले आपको आंसर देना भाई, नहीं तो आपकी मैं तो आपकी तो बेइज्जती होने से रही, आपकी बेइज्जती तो हो ही गई, समझ लो हो ही गई। तो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे ये जो गोला है ना, ये गोला आपको यहाँ भी मिलना चाहिए, ये गोला आपको यहाँ भी मिलना चाहिए, और ये जो इस तरीके का साइन है वो आपको यहाँ भी मिलना चाहिए। तो जरा देखो डियर कौन सा होगा 27 में, 27 में कौन सा होगा, यस कम ऑन फटाक से, मुझसे पहले ये वेरी गुड यानी कि आपने इसको भी रिजेक्ट किया, आपने इसको भी रिजेक्ट किया और आपने इसको भी रिजेक्ट किया, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने इस क्वेश्चन को खेल दिया है, और केन बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 run। तो इस तरह से 4 run नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, यस। तो आपकी झोली में आता हुआ एक नंबर प्लस यानी कि आप पहुंच चुके हैं 27 पे। ओके वेरी नाइस, चलो कम ऑन डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28। चलो ऐसे ही खेलते हैं यार अपन, ऐसे ही खेलते हैं, तो खेल खेल में भी 40 के 40 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ऐसा है तो इसका मतलब ये चार की चारों डॉट्स यहाँ पे रहेंगी। अरे यार ये फालतू में आए हैं, इनको भगाओ 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 जल्दी भगाओ। ये वाला देखो क्या ये वाला होगा, अरे ये भी फालतू में चले आए। अब बात आती है बी वाला और बात होती है डी वाला। तो जरा ये बताओ ऊपर कैसा है, ऊपर आपका क्रॉस क्रॉस है तो ऊपर भी क्रॉस क्रॉस होगा, तो यहाँ पे तो प्लस है, चलो तुम भी निकलो निकलो निकलो, बचा कौन, बचा बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो यार कितना कितना मजा आती है ना जब ऐसे क्वेश्चंस को आप पकड़ते हो और पकड़ पकड़ के उनको सबको सॉल्व कर डालते हो। तो सॉल्यूशन
ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज टू ईजी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा यार पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अच्छे से करना है। थोड़े से दिन बचे हैं, अब हमें अपनी जान लगा के मेहनत करना है जिससे कि हम कहाँ पहुँच जाएँ, यस जिससे कि हम नवोदय विद्यालय में बैठे रहें अगले सत्र में। ओके, तो कक्षा 6 में आपको नवोदय में ही पढ़ना है, ये आप सोच लो, अभी से सोच लो। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रीजनिंग पोर्सन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। देखो जरा जल्दी से देखो, नीचे निर्देश दिए गए हैं 27 से 32। प्रत्येक प्रश्न में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है। ओके, जैसा कि बाईं ओर समस्या आकृतियों में दिखाया गया है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। कागज को खोलने के बाद बनी आकृतियों को दी गई उत्तर आकृतियों में से चुनें तथा अपना उत्तर क्या करिए, आप ओएमआर शीट पे गोला करें। ओके, तो यार इसमें कटिंग वाले में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें गलती होने के चांस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपकी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो आप जरा पहले क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से यार अगर आप देखते हो तो इस कागज़ को एक बार मोड़ा गया था, ओके, और उसके बाद फिर से मोड़ा गया, तो मोड़ना हो गया कितनी बार, 2, यानी कि 2 का दूना कितना होता है, 2 का दूना होता है, 2 का दूना कितना रहे यार, 2 का दूना 4 होता, तो 4 बार इसका इफेक्ट आपको दिखने वाला है। तो जरा हमें ये बताओ कि अगर एक बार इसने काला करा तो ये काला 2, ये काला 3 और ये काला 4 बार होगा, तो क्या 4 बार काले यहाँ पे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, ये 4 के 4 काले यहाँ पे मिलेंगे आपको, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 29 में ए, वेरी गुड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ, 30 में आ जाओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। एक बार मोड़ा, 2 बार मोड़ा, 3 बार मोड़ा, अरे यार तुम इंसान हो कि पैजामा हो, 3 बार मोड़ रहे हो, तो इसका इफेक्ट कितनी बार, यस 6 बार। जरा देखो कि इसका इफेक्ट किस तरह से आपको दिखने वाला है, चला देखो डियर स्टूडेंट्स, जब इन्होंने ऐसे मोड़ा तो मोड़ने के बाद इन्होंने यहाँ पे कट लगाया। इस कट का मतलब क्या हुआ, इस कट का मतलब ये हुआ कि ये कट आपको ऐसे दिखेगा, ये कट आपको ऐसे दिखेगा, फिर ये कट आपको ऐसे दिखेगा, फिर ये आपको कैसे दिखेगा, फिर आपको ऐसे दिखेगा, और ये सारे के सारे चूंकि इधर से भी मोड़ा गया है इसलिए कॉर्नर्स पर भी इनके इफेक्ट यानी कि इनके प्रभाव आपको दिखने वाले हैं। तो ऐसे में आपकी ये आकृति गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, आपकी जो सबसे करेक्ट आकृति होगी डियर स्टूडेंट्स वो आपके सामने है और आप पहचान नहीं पा रहे हो, जरा आप पहचानो, यस क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो आ जाओ कमान जल्दी से आ जाओ, एक बार इसको मोड़े, फिर 2 बार इसको मोड़े, और जब आपने 2 बार इसको मोड़ा, तीसरे बार मोड़ इसको आपने गोला कर दिया। जरा बताओ हमें कि जैसे ये 2 गोले हैं, अगर आपने इसको एक बार खोला तो क्या मिलेगा डियर, ये बता दो। ये दोनों गोले यहाँ तो मिलेंगे ही, साथ में यहाँ भी मिलेंगे, और फिर से जब आप खोलोगे तो यहाँ पे भी मिलेंगे, यानी कि आपके पास टोटल गोले कितने हो गए, टोटल गोले आपके पास हो गए कितने, यस कम ऑन जल्दी से फटाफट आप ही बोलो। ये गोले आपको कम से कम कितनी बार, 1, 2, 3, 4 बार मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, और ऊपर ही मिलेंगे, ये भी जान लेना, ऊपर ही मिलेंगे। तो ये वाली आकृति तो आपकी होने से रही यार, ये तो कतई नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं, आपकी जो बिल्कुल करेक्ट आकृति है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। कम ऑन जल्दी से आ जाओ, एक बार ऐसे मोड़ा बंदे ने, फिर इसको ऐसे मोड़ा, यार यहाँ पे कट लगाया, तो क्या आपको दिख नहीं रहा है, कि 32 में कौन सा ऑप्शन होगा, मुझसे पहले बताओ भैया, गोला तो होने से रहा, ट्रायंगल तो कहीं आपको दिख ही नहीं रहा यार, और इसने ऐसे कट लगाए हैं, फिर ऐसे लगाए हैं, तो ऐसे में ये भी नहीं होगा, आपको जो कुछ मिलेगा वो स्क्वायर के फॉर्म में या रेक्टेंगल के फॉर्म में मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलो, तो मेरे ख्याल से आपका 32 तक
अभी तक आपका बिल्कुल सही जा रहा होगा। जिसका यहाँ तक सही चला गया है वो ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ भैया कि अभी तक मेरा पूरा सही गया। नीचे कमेंट में लिखो, पहले कमेंट में लिखो कि अभी तक मेरा पूरा सही गया। चलो अब आपने इतना काम अगर कर लिया गया तो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 33 से। जब हम लोग 33 से काम करना शुरू कर देते हैं तो इसमें ये है क्वेश्चन नंबर आपका, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 9th वाला पार्ट। ओके, तो 9th वाले पार्ट में आपको करना क्या है यार, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर चार उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती हो। यानी कि आपको क्या करना है, आपको इन ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे टुकड़े दिए गए हैं इनसे ही जोड़ के इधर वाली आकृति बनानी है। ओके, तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स। चलो आ जाओ, इसमें चार आकृतियां हैं, 1 2 3 4, इन चारों आकृतियों से बनी हुई कौन सी आकृति इसमें आपको दिख रही है जरा हमें बता दो, हमें भी बता दो फटाफट बता दो। चलो क्या भैया पहला वाला होगा? अरे यार पहला वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों आकृतियां उसमें दिख नहीं रही हैं। ओके, क्या बी वाला होगा? बी वाले में ये जो है ये बीच में ये रेक्टेंगल है, आयत का फॉर्म है, ये वर्ग जैसा नहीं है, क्या ये होगा? सवाल ही नहीं उठता। तो अब देखो, अब ये जानो कि अगर इसमें सी वाला सही है तो क्यों, इसलिए माई डियर क्योंकि ये देखो ये वाला पार्ट ये आपको मिल गया। ओके, और ये वाला पार्ट यहाँ आपको मिल गया। ओके, समझ में आ रही होगी बात आपको। और उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद फिर ध्यान से आप देखो, दो मिला नहीं मिला, ये वाला यहाँ मिला, ये वाला यहाँ मिला, ये वाला देखो ज़्यादा ध्यान से, ये वाला आपको यहाँ मिला और ये वाला आपको यहाँ मिला। तो इस तरीके से आपका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। तो ऐसे ही आप देखा करो यार, ऐसे ही आप देखा करो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब आप चलते हो तो आपको 1 2 और 3 आकृतियों से बनी हुई ऐसी आकृति आपको फाइंड आउट करनी है जिसमें ये सारे के सारे मिल जाए। तो ज़रा इसमें देखो, ये वाला पोर्शन आपको कहीं नहीं मिल रहा है, ये वाला पोर्शन आपको इसमें नहीं मिल रहा है। अब जब आप इसमें आते हो, जैसे ही आप इसमें आते हो डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखना बी वाली आकृति को, बी वाली में ये वाला आपको यहाँ मिल गया, ये वाला आपको कहाँ मिल गया, इसमें से कोई एक, और ये वाला आपको इसमें से कोई एक बन जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 34 में वो आपका बी होगा, जबकि ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 भी अपने आप में गुड क्वेश्चन है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 35 पे जरा देखो कि ये इनसे बनी हुई आकृतियाँ कौन सी हैं, जरा बताओ। इसमें तो दो ही आकृति हैं यार, ये तो तुरंत रिजेक्ट करो, इनको तुरंत रिजेक्ट करो, भगाओ इनको जल्दी से। अब हमें एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, जरा देखो ध्यान से, बी ये तो होने से रहा, अब आया आपका बी और सी में से, इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो ये वाला यहाँ पे देखो जरा, ये और ये तो ये चीज़ आपको यहाँ मिल गई, ये। ओके, फिर उसके बाद जरा देखो, ये वाली चीज़ यहाँ मिल गई और ये वाली चीज़ यहाँ मिल गई, तो 35 में आपका होगा सी, 35 में क्या होगा? सी होगा। ओके, तो इस तरीके से जो 35 है, 35 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 भी अपने आप में ज़बरदस्त है, लेकिन मैं चाहूँगा कि 36 का सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ यार, आप कमेंट करके बताओ। चलो, ऐसी आकृति ऐसी और ऐसी हमें ढूंढनी है। तो यार ये तो होने से रहा क्योंकि इसमें सारी एक जैसी हैं, ये भी होने से रहा। अब बात आती है कि इस तरीके की दो आकृतियाँ हमें इसमें मिलें तो डी वाला भी कैंसिल। अच्छा, ए वाला जो ऑप्शन है वो क्यों है ये भी जान लो, ए वाला ऑप्शन क्यों इतना ज़्यादा सही है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है हमें ध्यान से देखो यहाँ मिल जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है हमें यहाँ मिल जा रहा है। ओके, मिल गया। अब बात आई इसकी और इसकी, तो ट्रायंगल इसके बीच में मिल गया और बाकी जो बचा वो इसके जैसा हो गया। तो इस तरीके से जो ए वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें इन सारी चीज़ों को बहुत बेसिक से ध्यान देना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को बहुत बेसिक से आप भी
ध्यान दीजिए यार, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, और कोई भी दिक्कत ना होने पाए इसीलिए तो हम आपकी देख रहे हो रात रात भर जग के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो गलती होने के जितने भी चांसेस हों डियर स्टूडेंट्स, उसको आप ख़त्म कर दो, उसको आप बिल्कुल से भी ख़त्म कर दो। ओके, चलो अब आ जाओ लास्ट सेक्शन, जो अपना खंड नंबर, जो खंड आपका 10 होता है। तो 10 वाले में आप जरा सबसे पहले पढ़िएगा क्या कह रहे हैं कि 37 से 40 तक की आकृतियों में प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर एक उत्तर आकृति 1 2 3 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई या निहित है ना, और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रम वाले गोले को काला करके उत्तर दें, काला करके उत्तर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। चलो तो अब की बार आपको क्या ढूंढना है डियर, अब की बार आपको ये ढूंढना है कि ये आकृतियाँ कहीं ना कहीं इसमें छिप के बैठी हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये वाली आकृतियाँ आपकी छिप के बैठी हैं, उन्हीं आकृतियों का आपको पता लगाना है। चलो देखो, ऐसी आकृति को भी फाइंड आउट करने का मैंने आपको तरीका बताया था डियर, कि आपको क्या करना है, इनके ऊपर निशान अपने ऐसे चला देने हैं। तो ये तो होने से रहा, क्योंकि भाई इसमें क्या है, इसमें ज़रा ध्यान से देखो, ये ऐसे तो आया है लेकिन ये ऐसे चला गया है, जबकि हमें कैसा चाहिए, ऐसा 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 चाहिए। ओके, तो इसमें देखो ये यहाँ से आया ऐसे ऐसे, तो यानी कि हमें तो आकृति मिल गई, लेकिन अभी और रिजेक्ट करो, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें यहीं आगे ख़त्म हो गया, तो ये भी नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, क्या होगा, बी। तो ऐसे में क्या करिए ना, आपके पास अगर ब्लैक पेन हो, थोड़ा सा डार्क पेन हो, उसको आप उसी पे चला दीजिए, चलाने से आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चन नंबर 37 जो है, क्वेश्चन नंबर 37 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, बी ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि ऐसे ही जब अपन आए, ऐसे चलाए, ऐसे मिल गया। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे डियर स्टूडेंट, जरा देखो क्या ये आकृति आपको इसमें दिख रही है, इसमें तो सवाल ही नहीं उठता यार, इसमें तो सवाल ही नहीं उठता। अब देखो, जब हम यहाँ पे बात करते हैं ऐसे, एक ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद ये वाली लाइन पूरी कर दो, तो देखो ये वाली आकृति बिल्कुल मिल गई कि नहीं, जबकि इसमें तो सवाल ही नहीं उठता कि मिल जाए। तो सी वाला ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39, यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रीजनिंग पोर्शन। अब इसमें आप जरा देखो, इसमें जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल से रहा, ये तो होने से रहा, तो मतलब होने से रहा क्या मतलब, कि हमें ऐसी ही ढूंढनी है, हमें क्या करनी है, हमें ऐसी ही ढूंढनी है यार। तो जब इसको आप ढूंढने चलते हो, इसको आप ढूंढने चलते हो, तो जरा देखो कहाँ पे ये बात आपको मिल रही है, कहाँ पे आपको ये बात मिल रही है, ये बात आपको क्या यहाँ कहीं मिल रही है, मिलेगी तो ये चीज़ मिलनी भी चाहिए कि हमें ऐसा ऐसा और ऐसा पोर्शन मिले, इसमें तो मिलेगा नहीं, इसमें तो सवाल ही नहीं उठता। अब देखो यहाँ पे जैसे आते हैं ऐसे और ऐसे, और उसके बाद ये देखो ये सीधा, तो इसमें हमें बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन अपना जो है वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बी जो है अपना करेक्ट आंसर लग रहा है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आपको ऐसे 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 चाहिए, तो जरा कहीं भी आप घुमा के देखो, ऐसे कहीं मिल रहा है क्या, इसमें कहीं मिलने के चांस है इस तरह के, तो इसमें तो इस तरह की कोई आकृति है ही नहीं, तो इसको गलत काटो। चलो यहाँ से आओ, जब ए यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ, तो देखो इसमें थोड़ा सा चांस बना, क्या इसमें भी बनेगा ऐसा चांस, तो इसमें भी बनने से रहा, इसमें 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 भी ना ना नहीं बनेगा। तो बस केवल यही एक ऐसी आकृति है जिसमें 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 ये वाली आकृति छिपके बैठी, यानी कि इससे ये बनी हुई है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने 40 के 40 क्वेश्चंस को, सारे के सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लिया, यानी कि हमारे 40/40 बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप भी बिल्कुल तन मन और धन, पूरा दिल और दिमाग लगा के इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और उसके बाद आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपके 40/40 क्वेश्चंस आए, या आपके कितने नंबर आए, ये आप कमेंट करके हमें बिल्कुल बताइए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नवोदय एकेडमी की तरफ से आप सारे लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग पेपर देने अभी जाओगे, आपका पेपर डेट अभी जल्द से है ना डिसाइड हो जाएगा, तो नवोदय एकेडमी की तरफ से और देसी कक्षा की तरफ से
आप सारे लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ कि आप लोग सक्सेस हो यार। और सक्सेस होने के बाद आना और इस पर कमेंट जरूर करना कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त फॉर्म में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं नवोदय विद्यालय जा रहा हूँ। ओके, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। और आप ऐसे ही जहाँ कहीं भी हों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए लेक्चर में, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।